पहला विधानसभा सत्र का आज शुभारंभ हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और वह नई सरकार और विधानसभा के सभी सदस्यों के साथ एक टीम के रूप में काम करेगी। श्रीनगर में विधानसभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि उन्हें सदन के सभी सदस्यों से पूर्ण सहयोग की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आप सभी के साथ मिलकर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पुनरुद्धार के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रिपरिषद ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है जिसका मैंने भी समर्थन किया है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाता है। एलजी ने कहा कि सदन के सभी सदस्यों ने धैर्य पूर्वक सुना है और मेरी सरकार जम्मू कश्मीर राज्य को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एलजी ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी जिसकी वार्षिक आर्थिक विकास दर 60% तक पहुँच गई है। हम रोजगार के नए अवसर पैदा करने और जम्मू कश्मीर की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने कहा कि समृद्ध समाज बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रत्येक क्षेत्र के साथ सम्मान व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए देखते हैं। विधायक जावेद अहमद डार ने स्पीकर के लिए अब्दुल रहीम राठौर के नाम का प्रस्ताव सदन में रखा। दवनी मत से अब्दुल रहीम राठौर को जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर चुना गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर अब्दुल रहीम राठौर को बधाई दी।
विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने सदन में अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में प्रस्ताव रखा, जिसका भाजपा के विधायकों ने जमकर विरोध किया और अपनी सीटों से खड़े होकर जमकर हंगामा किया। स्पीकर को समझाने के बाद भी जब भाजपा के विधायकों ने हंगामा जारी रखा तो स्पीकर ने सदन को 10 मिनट के बाद स्थगित किया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभिभाषण शुरू किया। पीडीपी विधायक वहीद पारा सदन 370 के फैसले के विरोध में पेश किया प्रस्ताव को लेकर पीडीपी विधायक और भाजपा के विधायकों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। देखिए, हमने पीडीपी के 3 मेंबरों ने रेजोल्यूशन सबमिट किया कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ वो कश्मीर की आवाम के हक में नहीं था, और उमर साहब ने खुद कहा लोग खुश नहीं है, तो वही बात हमने लिख के रेजोल्यूशन में लाई। वी एक्सपेक्ट दे विल सपोर्ट अस या सरप्राइज कि एनसी के लीडर हाउस लीडर भी है और उन्होंने हमारे रेजोल्यूशन के खिलाफ खुद बोला, तो इनशाला हमें उम्मीद है वो सोचेंगे और सोच रहे कि कल परसों 4 दिन में उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे, इसको एडमिट करेंगे एंड दे विल नॉट रिजेक्ट दिस रेजोल्यूशन बिकॉज दिस इज अबाउट द लेगेसी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, इट्स अबाउट द लेगेसी ऑफ दोनों महाराजा ऑल्सो। हम जो मांग रहे क्रिस्टलीन फॉर्म ऑफ आर्टिकल 370 शुड बी रेस्टोर, स्पेशल स्टेटस शुड बी रेस्टोर एंड 1947 में जो जम्मू कश्मीर की स्टेट एग्जिस्ट जैसे होती थी वैसे ही वापस होनी चाहिए। शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज़ जो है एक मर्यादा होती है, आप शादी वाले घर में जाते हो तो बधाई देते हो, तो आज बधाई का जो संदेश था उसमें तो कोई रेजोल्यूशन लाना जो है वो मर्यादा के खिलाफ है, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, 26.6% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, और कोई भी बात जो देश के खिलाफ होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके शेर जो डट के मुकाबला करेंगे। हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ शांति हो और उन्नति हो, तरक्की हो, उसके लिए हमारा हर एक प्रयास, हम सरकार के भी साथ रहेंगे और देश के भी साथ रहेंगे। कुछ रेजोल्यूशन जिसका कंटेंट पता नहीं, ऐसा रेजोल्यूशन जो रूल्स में या प्रोसीजर में या किसी प्रावधान में जिसका कोई भी इसकी जिसे कहते हैं जवाबी नियत कोई नहीं, उसकी लीगल सिग्निफिकेंस कोई नहीं, हम उसको मैटर किसी ना बनाए, वो कुछ पढ़ना चाहते थे ऑब्जेक्ट कि आप एजेंडा से बिना आप रेजोल्यूशन कोई भी नहीं लागू, रेजोल्यूशन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द असेंबली प्रोसीडिंग। और आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको डिस्कस ना करें। मैं यही कहना चाहूंगी, पीडीपी जो पहले से जहर उगलती आई थी वही जहर उगलने का प्रदर्शन आज भी असेंबली में उन्होंने किया, उसी तरह से जिस तरह से वो पहले जनता को गुमराह करते थे आज भी उन्होंने हमारे आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की। और हमें यही कहूंगी, हमें जम्मू कश्मीर की आवाम के भले के बारे में सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर के मसलों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो सड़क का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे स्कूल कॉलेज का मसला हो, हमें उन मसलों को लेकर काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जरवन चुग ने कश्मीर घाटी में हो रहे आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इन हमलों को कायराना बताते हुए कहा कि ये आतंकी संगठनों के सरगाओं की बुखलाहट है। तरुण चुग ने कहा कि इन हमलों का सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इन घटनाओं में शामिल हर आतंकी का सफाया किया जाएगा। तरुण चुग ने कहा कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, श्रीनगर में जो घटनाएं हुई हैं वो निंदनीय है, कायरतापूर्ण कदम है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर आतंकवादी मंसूबे को, उनके षड्यंत्र को लगातार कुचल रही है, ये भी कुचला जाएगा। एक दिन पहले ही एक बड़े आतंकी कमांडर को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कब्र में पहुंचाया है, और अब जिनके हाथों में हथियार हैं हमारे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं उनको भी जल्द ही कब्र में पहुंचाया जाएगा। आंतरिक सरगनाओं की कायरतापूर्ण ये घटनाएं करना उनकी बौखलाहट बता रही है। आंतक का सफाया हो चुका है, जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी आंतक के फन को। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं उनके समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सत शर्मा ने बताया कि जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ है इससे साफ होता है कि लोगों के दिलों में भाजपा के लिए कितना प्यार है। उन्होंने पार्टी के बतौर प्रदेश अध्यक्ष दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया।
सरकारी है ये अपने आप में बताती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में प्यार है और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का माननीय जेपी नड्डा जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे पार्टी की सेवा करने का पुनः जो है वो मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारी की सारी जनता का पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो आज भारी संख्या में। शिवसेना यूटीवी की जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार से जम्मू को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर शिवसेना यूटीवी ने जम्मू में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना यूटीवी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से लगातार जम्मू के साथ भेदभाव का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक तमाम सियासी दलों ने जम्मू के लोगों को भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर अपनी सियासी रोटियां सेकी। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री अमित बिरला से विधानसभा के इसी सत्र में जम्मू को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। देखिए आज जो हमारा प्रदर्शन है वो जम्मू को स्थायी राजधानी एक परमानेंट कैपिटल बनाने की मांग को लेकर है। आप देखिए जम्मू कश्मीर के पिछले 70 सालों के इतिहास के अंदर जम्मू के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। जम्मू हमेशा जो है वो भेदभाव का शिकार रहा, नजरअंदाज होने का शिकार रहा। जम्मू को लेकर पार्टियों ने जो है अपनी राजनीतिक स्वार्थ साधा, राजनीतिक रोटियां सेकी, यहां से ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की, मगर उन पार्टियों ने भी कभी जम्मू का हित नहीं सोचा। आज हमारी मांग है, आज विधानसभा का सत्र भी है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से हमारी मांग है कि वह जम्मू को इसी सत्र के अंदर स्थायी राजधानी परमानेंट कैपिटल ऑफ J&K घोषित करें। देखिए इसके पीछे कोई राजनीतिक नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जम्मू को अगर आप वैसे भी देखो तो यहाँ प्रशासनिक कामकाज मौसम की मार नहीं होती, 365 दिन तक जारी रह सकता है। सचिवालय हर दिन खुल सकता है। आतंकवाद की दृष्टि से भी जम्मू जो है वो कश्मीर से यहाँ पर जो है शांतिप्रिय इलाका है जम्मू, तो सरकार का काम सुचारू रूप से चले, जनता जो महरूम रही है अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनका जो है अपना फायदा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर विरोध कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आतंकियों को मारने के बजाय पकड़ने की बात कही। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की कड़ी आलोचना की। देखो हमारा विरोध जो आज का, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है, जो उनकी स्टेटमेंट है उनके खिलाफ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए। जो आतंकवादी हमारी सेना पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारे देश नागरिकों का खून बहा रहे हैं, ऐसे आतंकवादियों को मारा ना जाए तो क्या करना चाहिए था उनकी आर्थिक कमी चाहिए। ये बात हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हम आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं। के तहत कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है। इसके लिए जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के DIG विकास गुप्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने को लेकर चर्चा की गयी। हमारे जो है फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बस देख के कोइंटेक्ट करते हुए जो है हम हमेशा दिसंबर के लास्ट अक्टूबर के लास्ट वीक हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। अवेयरनेस वीक में हमारा ये मोटो रहता है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जितने भी, उन्हें ये एक मुहिम चलाई जाए कि करप्शन के अगेंस्ट लोगों को जागरूक कराया जाए, ताकि वो अपनी वाइफ देखते हैं जहाँ पर उनको करप्ट प्रैक्टिस नजर आती हैं, ताकि हमारा जो है सोसाइटी एक करप्शन फ्री सोसाइटी बने, लोगों को उनकी राइट्स मिले और बिना किसी दिक्कत के। सर इतनी के लिए मैं ज़्यादातर जो है ना बहुत कंपोनेंट डिपेंड करता है सोसाइटी हमारी कैसी है। हम बहुत मोटिवेट करते हैं सोसाइटी को कि आप हमारे पास कंप्लेन देते हैं, जहाँ आपको डिस्ट्रक्शन हमारे इंटरनेट, लेकिन जब तक जो हमारी पब्लिक हमारे सिटीजन जागरूक नहीं होंगे
तब तक हमारी तरफ से जितनी मर्जी हमारी कोशिश होगी, हमारा जो है हर अटेम्प्ट इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा जब तक हमारी जो स्टेक होल्डर है आप लोग देखते हैं, आप लोग हाईलाइट करेंगे तब तक डिस्ट्रिक्ट को, तब तक हमारा कोई जो भी है और एफर्ट वो कोई रिजल्ट और एग्जिट नहीं होगा। सर एक मैसेज आपसे लेंगे, लोग डरते हैं केवल एस सी बी के साथ आने के लिए कि शायद उनका काम नहीं होगा अगर करप्शन के चार्जेस में उस ऑफिसर को फंसाया जाएगा, तो आपका मैसेज क्या रहेगा एक मीडिया के माध्यम से? देखिए हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट है कि हमारा क्रप प्रैक्टिस को रोकना है, क्रप एलिमेंट को रोकना है, ठीक है। काम हमारा कि जब आप एस्टेज ऑफ टाइम जब करप्शन अपने आप मेलोडोन हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, लोगों के काम अपने आप दिख लेंगे, डिपार्टमेंट को लगेगा कि नहीं सर प्रैक्टिस में अगर इन्वॉल्व होंगे तो ए सी बी आई या कोई अगर पी जी आई जैसे कुछ भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है एनडी सरकार। जम्मू के जी एम के अस्पताल में दवाइयों सहित अन्य सामान को रखने के लिए ड्रग कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जाएगा, जिसका शुभारंभ जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इस कोल्ड स्टोर की अस्पताल को बेहद जरूरत है, अस्पताल की इस कमी को दूर कर दिया गया और अब इस स्टोर में वैक्सीन, कैंसर की बीमारी की दवाइयों सहित अन्य सामान भी रखा जाएगा। आज हमने जीएमसी में जो बहुत एक नेसेसरी हमारी शॉर्टेज थी, कमी थी, इसको पूरा किया कोल्ड स्टोरेज पर, स्टोरेज ऑफ मेडिसिन विच रिक्वायर कोल्ड स्टोरेज, वो हमने इंस्टॉल करके उसको इनॉग्रेट किया। इसके सबसे बड़ी बात है कि जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है 2 से 8 डिग्री जो मेडिसिन होती हैं उनको स्टोर करने के लिए, वो जनरेट किया हमने। और ये दिस इज द लेटेस्ट आई जैसे हमने बताया आपको देखा कि इसमें थर्मोस्टैट लगा हुआ है जो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ना ऊपर जाने देगा ना नीचे आने देगा। तो जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस है, जो सबसे लॉस ऑफ सटल वैक्सीन हैं, हमारी एंटी कैंसर मेडिसिन हैं, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, इनको टेम्परेचर मेंटेनेंस अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, उसको स्टोरेज में हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल नहीं होगा उसका, ये नहीं होगा कि इसमें इसकी दवाई है इसमें पोटेंशियल गर्म हो गई पोटेंशियल हो गई। इट्स वेरी बिग रूम, ह्यूज रूम, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टोटली डोनेशन बेसिस पे हुआ है, वॉलंटियर डोनेशन हमने जो इसमें कलेक्ट करके 4 से 5 लाख रुपये की कीमत की। लिमिट करने सहित अन्य मांगों को लेकर कठुआ म्यूनिसिपल काउंसिल के सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का आरोप था कि वो पिछले कई सालों से म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ में बतौर सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि स्थायी होने का सपना लेकर कई उनके साथ इस दुनिया से भी चले गए और लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। डिमांड है कोई नहीं चाहिए, डिमांड नहीं अच्छी जगह डेली वेज चाहिए अगर पक्के दिते जाने 7 साल 10 साल की डिमांड इंदा होंगे यार, लेकिन इतने 19 साल हो गए हैं जिंदे तो अगर तो ज्यादा 12 मुलाजम साढ़े कठुए से मर गए हैं, कच्चे बेचारे मर गए हैं, कई घर पूरे परिवार खत्म हो गया, एक बंदा मरना जनानी के बच्चे खत्म हो गए। बिस्नाह में चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी है, पुलिस के लाख दावों के बाद भी चोर क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। बीती रात भी चोरों ने बिस्ना में चोरों ने एक फ्रूट सब्जी की दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकान में रखा गया फ्रूट और सब्जी पर हाथ साफ किया। मेरा नाम मुड़े फोन किया चोरी हुई करबाल बढ़े नहीं होना बड़ी इधर नंगे का बंदा इधर माल पा गया उन्हें चुके का काम है कले बंद का कोई काम है नहीं ना कोई स्कूटी सारे भी इन्ना सोचा जाता है कौन गड्डी ला दी भगवती नगर से गोल रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स तक जाने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि पिछले कई सालों से सड़क खस्ता हालत में है और लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन इसकी मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। लोगों का आरोप है कि आए दिन सड़क की खराब हालत हादसों का कारण बन रही है और लेकिन कोई इस सड़क की सुध लेने वाला नहीं है।
पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं यहाँ की यही हालात है। इतनी दूर है, बुजुर्ग लोग, अस्थमा की किसी को प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट करी हमने, यहाँ पहले जो मेयर थे चंद्र मोहन गुप्ता 3 बार आए, उनको बताया दिखाया यहाँ। उसके बाद जो नए मेयर हैं उन तक हमने अप्रोच की, वो मिले नहीं है। ये हालात देख लीजिए आप, कैसे ये कॉलेज है, ये बच्चे हैं, इनको बुलाया पता नहीं क्या, इनको नहीं आ रहे। या इनके टीचर से हमने बात की, कहे हम इम्प्लाई हैं, हम ये नहीं बोल सकते। आप दूर की हालात देख लो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और हमने हाथ भी जोड़े, और हमने आर एंड बी ये सारी टीम ये देख लो, इनको दिखाओ, सारे गए। उन्होंने बोला बजट नहीं है, तब इलेक्शन नहीं हुए थे, अब इलेक्शन भी हो गए, सरकार आ गई। यहाँ भरपूर जम्मू में बीजेपी हमने जितवाई और जीती। अभी एक बताओ, क्या वहां से फारूक साहब या उमर अब्दुल्ला के यहाँ रोड बनाएंगे? वो अपने कश्मीर का काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी किया और अभी भी वही करेंगे। और यहाँ की आप हालात देख लो, ये स्मार्ट सिटी में हम रह रहे हैं, और ये दूर देख लो आप, बिल्कुल कैमरा घुमा के दिखाओ सर, किस बात ये बताओ, यहाँ के हमारे जो लोकल लोग हैं, लोकल लीडर करेंगे सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ क्यों करेंगे? आप देख लीजिए कितनी दूर है, हमने हाथ भी जोड़ लिए, रिक्वेस्ट भी कर ली, ये जितने लोग हैं हम सारे गए। और कहते बजट नहीं है, ये तो है, ये देखो सड़क से डिमांड करने चाहते हैं, मतलब आप वो बात करवाना चाहते हैं कि हम इनसे भीख मांगे, भीख ही मांग रहे, रोड दो, इसको बनाओ, 5 साल से आरएसपुरा में बासमती की फसल पककर तैयार है, लेकिन कटाई के लिए मजदूर न मिलने से किसान परेशान है। किसानों के मुताबिक इस बार बाहरी राज्यों से ना तो मजदूर आए हैं और न ही फसल काटने के लिए कंबाइन मशीनें आई हैं, जिसके कारण फसल की कटाई में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि धान की कटाई में देरी से गेहूं की अगली फसल भी प्रभावित होगी, और किसान बाहरी राज्यों से मजदूरों ने आने का कारण घाटी में हो रहे आतंकी हमलों को मान रहे हैं। किसानों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की खबरें सुनकर मजदूर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से बाहरी राज्यों से मजदूर और कंबाइन मशीनों को लाने की व्यवस्था कराने की मांग की है। ये सरकार है जी, अभी बहुत ज्यादा बार बार अपील कर रहे हैं कि किसानों की इस टाइम जी है पूरा धान का फसल है वो बिल्कुल पक के तैयार है, पर सब तो बड़ी प्रॉब्लम यह है किसानों की कि जो मजदूर अदर स्टेट तो आते ही वो बिल्कुल बहुत ही कम आए ना, बहुत ही घट आए ना, तो इस वास्ते फसल की कटाई और टाइम भी नहीं हो रही। और सब तो बड़ा है कि अगर सरकार चाहे तो दूसरी स्टेट तो जिस तरह पंजाब चो साढ़े कंबाइन वगैरह आती ही तो थोड़ा जहा फसल वाले भी जल्दी कटाई हो जाती, इस बार कंबाइना भी बहुत कम है और मजदूर जोड़े ने है नहीं है, और मन मर्जी 800 रुपया 900 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी लै रहे ना मजदूर जो किसान और इतने परेशान है। और बाकी सरकार ने जोड़ा भी रेट कटिया बासमती का तो बहुत ही कम रेट है, इस टाइम बहुत ही बुरी हालत है, किसान बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मजबूर हो गए हैं, नहीं आ रहे। और सब तो ज्यादा है कि बाहर स्टेट के और मजदूर डरते नहीं आ रहे, जिस तरह के तुम देख रहे हो श्रीनगर साइड में मजदूरों उन्होंने मतलब उन्होंने मार दिता गया और वो डरते जे एंड के ना ही सुन के कि उसे दहशत बहुत है, इस वास्ते वो बाहर स्टेटा के चाहे वो बिहार देना चाहे उत्तराखंड देना या किसी भी स्टेट देना वो जम्मू का नाम सुन के बिल्कुल नहीं आना चाहते। और सब तो बड़ा है कि अगर टाइम की फसल कटाई ना हो तो जी जमीन है वो नीचे तू बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और अगला फसल है गेहूं का फसल लगाना वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। फसल के बारे में अं यो गल करना चाहते हैं कि फसल इस वक्त तैयार है और फसल तैयार है मगर कटाई है जी लेट हो रही है, क्योंकि कटाई जेडे बाहर तो मजदूर आते ही मजदूर जाने की टाइम दे इस बार नहीं पुजे जी, क्योंकि एक तो डर गए थे ना क्योंकि श्रीनगर के हालात खराब ने, बाहरी मजदूरों जरा मारिया जाता गया उसकी वजह न मजदूर डर रहे हैं और मजदूर जाने की इतने बहुत घट आ रहे हैं और बाद फसल साढ़ा लेट हों गया। अगर सुधार ना करे कि बारिश कितने पै जाए तो बारिश पै जाए तो साडा फसल जहाँ ओले पै जाए तो फसल की तबाही हो जाएगी, तो अं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर रिक्वेस्ट करने भाई जी फसल है इनू जानी कि जिदा पंजाब की तरह कंबाइना जानी कि हर पंजाब में कंबाइना दो दो तीन तीन आई दी ना इस जगह साढ़े कंबाइन इस बार बड़ी घट आई है, तो अं चाहते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर कि भी कंबाइना मंगवा और जल्दी तो जल्दी फसल है जो जिमीदार का नबेड़िया जा सके ताकि जिमीदार को राहत मिल सके, नहीं तो किसान तो बेचारा अगर बारिश पै गई तो किसान परेशान हो जाएगा मर जाएगा। चलिए न्यूज ब्रीफ से फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।